थोड़ा मजबूरी में फंस गए ना, इसलिए स्कूल बंद हो गई ना। तो पापा और मम्मी कब खत्म हुए आपके? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। ये आलम है, अजमेर राजस्थान से है। नन्हे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ लिए, जूते पॉलिश करने की पेटी के रूप में कंधे पर लिए, दर दर कनॉट प्लेस की गलियों में भटकता है। माँ और पिताजी पहले ही खो चुका है। 2 छोटे बहन भाइयों का पेट भरने के लिए कनॉट प्लेस में बूट पॉलिश करता है। इससे मिलने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आइए मिलते हैं, शायद मैं कुछ इसकी मदद कर पाऊँ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आलम। आलम, तू पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हैं। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? तीसरी। तीसरी क्लास में? कहाँ पे? गांव में। गांव कहाँ है आपका? राजस्थान। किस जगह बेटा? ब्यावर अजमेर जिला। ब्यावर अजमेर। तो यहाँ कौन है आपके साथ, यहाँ किसके साथ रहते हो? यहाँ पे स्कूल बंद हो गया। तो आलम बेटा, अगर आपको पढ़ने का मौका मिले, पढ़ाई करने के लिए बोले कोई और बोले काम मत करो और पढ़ाई करो, तो पढ़ना चाहोगे? पढ़ने जाते हैं सर हम, थोड़ा मजबूरी में फंस गए ना, इसलिए स्कूल बंद हो गया ना। तो पापा और मम्मी कब खत्म हुए आपके? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। यहाँ पे हैं? यहाँ पर नहीं। अच्छा जी, तो आप तो यहाँ पे किसके साथ रहते हो? आप यहाँ पे किसके साथ रहते हो? आप काके साथ रहते हैं। किसके साथ? काका। पढ़ना चाहते हो? ठीक। भी पापा नहीं है, भाई बहन है। मम्मी पापा नहीं है तो भाई बहन छोटे हैं, तो खर्चा मतलब तुम ही खर्चा करते हो सारा? मजबूरी में करना पड़ता है सर, अभी स्कूल खुलेगा, 2 साल हो गए स्कूल बंद हो गए। 2 साल से स्कूल बंद हो, पर भी इसको मजबूरी में करना पड़ गया। मम्मी पापा गुजरे तो बहन भाई भूखे थे, तो मम्मी पापा गुजरे तो बहन भाई तो भूखे मरना पड़ रहा। तो गाँव में सिर्फ बहन भाई है, उनको कौन रखता है फिर? उनको कौन रखता है फिर? दादी दादा। तो मम्मी पापा कैसे गुजरे बेटा? बीमार थे। कंधे पर बोझ उठाए एक छोटा सा बच्चा कनॉट प्लेस की गलियों में घूमता फिर रहा था। नाम पूछा तो आलम बताया। मैंने पूछना चाहा कि ऐसी क्या मजबूरी है। अक्सर हम जब बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सी जगह ऐसे बच्चे या मांगने वाले या बुजुर्ग मिल जाते हैं, और हमारी एक सोच है कि वो सभी लोग वहाँ पर भीख मांग रहे हैं या जो भी उनकी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी। लेकिन जब मैं आलम से मिला, बच्चा छोटा है और वो अपने इन मासूम से कंधों पर एक बोझ उठाए घूम रहा था, और कनॉट प्लेस में आलम बूट पॉलिश करता है, घूमता है। जब उससे जानना चाहा तो उसने बताया वो राजस्थान से है और उसके माँ बाप दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं, 2 छोटे बहन भाई हैं, और उनको पालने के लिए या उनका पेट भरने के लिए वो दिन रात यहाँ मजदूरी करता है। मैं ये नहीं जानता उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी या कितना सच था या कितना झूठ था, पर हाँ उसके चेहरे की मासूमियत ने इतना ज़रूर बताया कहीं ना कहीं वो सच कह रहा था। मैंने उसे पैसे देने की भी कोशिश की, मैंने सोचा उसकी कुछ मदद करूं, पर उसने पैसे लेने से मना कर दिया और उसने मुझसे कहा कि भैया आप अपने जूते पॉलिश करवा लीजिए और फिर मुझे जो देना है वो दीजिए। मैं उसकी खुददारी देख के प्रभावित हुआ। सपोर्ट ह्यूमैनिटी के माध्यम से मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बहुत बार हमें रोड पर जगह में घूमते फिरते कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलते हैं जो यकीनन किसी ना किसी ऐसी मजबूरी से और परेशानी से गुजर रहे होते हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता कि एक हमारे अंदर एक आम धारणा है कि हर इंसान वो भीख मांग रहा है या वो नाटक कर रहा है या वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ठीक है, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ उनके हालात, उनकी मजबूरियाँ उनको जहाँ पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि उनको ये सब करना पड़ता है। पर आलम उनमें से भी नहीं। आलम ने मेहनत करने की सोची और वो कनॉट प्लेस में सुबह से शाम घूम घूम कर बूट पॉलिश करता है, कुछ पैसे जमा करता है और अपने बहन भाई को पालता है, उनको कुछ खर्चा भेजता है। तो मेरा सपोर्ट ह्यूमैनिटी के माध्यम से आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपके पास थोड़ा समय मिले और आप कहीं जा रहे हैं और कोई भी अगर आपको ऐसा कोई मिले, एक बार उसे जानने की कोशिश ज़रूर करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ छोटी सी उम्र है आलम की, अभी पढ़ना चाहता है। जब मैंने पूछा उससे कि तुम पढ़ना चाहते हो, तो उसने बताया कि हाँ जी भैया मैं पढ़ना चाहता हूँ। हमारा यही एक सपोर्ट ह्यूमैनिटी का, जैसे कि आपको पता है हमेशा माध्यम होता है
कुछ करना, कुछ अलग करना, कुछ इंस्पिरेशन की स्टोरी ढूंढना, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना जिनके मदद कर सकते हैं और समाज उन चीज़ों को सामने लाना जहाँ पर भी इंसानियत या ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है और जहाँ हमें ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए। हमारे हमेशा से प्रयास ये रहता है हम उन लोगों से मिले, जाने उनके बारे में। आलम की हमने कुछ मदद भी की और आगे हम आलम से मिलते रहेंगे और ये ज़रूर है, एक वादा ज़रूर किया मैंने आलम को कि हम उसकी आगे भी मदद करेंगे। मैं संदीप सपोर्ट ह्यूमैनिटी से आपका साथी, जय हिंद जय भारत। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। Thank you.